पंजाब में आम इंतखाबात से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का ये मामला, इंतखाबात की तारीख और इंतजामात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास में क्या उमूर ज़ेरे गौर आएंगे, इसी पर बात करने के लिए दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, जो लाहौर हाई कोर्ट का एक तारीखी फैसला है जिसमें इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई है कि वो जो पंजाब से मुतलिक जो आम इंतखाबात का शेड्यूल है उससे मुतलिक गवर्नर से मुशावरत करें। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जो अहम बैठक है वो अब से कुछ देर बाद यानी 11 बजे होगी, जिसकी सदारत जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद करेंगे, जिसमें इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान और इसके अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जबकि मुतलका जो विंग के हुकाम है वो भी शरीक होंगे। जो फैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ है उसको उस पर जो है वो गौर किया जाएगा, जबकि जो लॉ विंग है उसकी जानिब से इस फैसले के जो चीज़ा निकात है जिसमें वाज़े तौर पर जो इलेक्शन कमीशन के लिए हिदायत जारी किए गए हैं वो पढ़कर सुनाया जाएगा। और इसके अलावा जो तारीख से मुतलिक जो हमारे ज़रा हैं वो ये उनका ये कहना है कि गवर्नर से जो है वो मुशावरत जो है वो की जाएगी, अगर गवर्नर से मुशावरत का सिलसिले में कोई रुकावट हुई तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद जो दोनों गवर्नर साहिबान के पास जाएंगे और उनसे जो इंतखाबात की तारीख है वो मांगेंगे। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जुमे के रोज एक इलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक भी कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस मामले के ऊपर जो एक अहम इजलास है वो आज दिन 11 बजे जो है वो तलब किया है, जिसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मद्देनजर रखकर इजलास आज 11 बजे तलब किया गया है। वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।